हम क्या बोले थे कि शुरू में कोई दो ठो लाने का ट्राई करना, कोई दो, यहाँ पे क्या है अल्फा में से बीटा सब्ट्रैक्ट करना, हिंट्स दे देता है तुमको, तो खोजो अल्फा बीटा किधर है, ये है अल्फा ये है बीटा, तो हम अल्फा से बीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब इस रो से इस रो को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिंगल सिंगल सब्ट्रैक्ट नहीं होता, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें मतलब इसमें से इसको करना पड़ेगा इसमें से इसको, तो ये आ गया अल्फा माइनस बीटा, अब बीटा माइनस गामा लाना है, ये है बीटा ये है गामा, तो बीटा से गामा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका मतलब ये रो टू से रो थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस हो गया, यही समझना है। अब कैसे करेंगे अभी बता रहे हैं, तो वन ये वन ये वाला सारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, देखो वन माइनस वन अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये लाइन समझ में आया, ऊपर वाला अपनी जगह फिक्स है, नीचे वाला ऊपर चला गया शिफ्ट हो गया, अच्छा इसके बाद वाला ये अपनी जगह पर रहेगा, ये ऊपर चला गया, इसका जीरोक्स कॉपी ऊपर चला गया, ओरिजिनल नहीं इसका जीरोक्स कॉपी गया है, यहाँ पे क्या होगा ठीक है, नहीं तो अगर ये ओरिजिनल चला जाएगा तो कोई बचेगा नहीं, मैंने जीरो कॉपी है, ये लास्ट वाला रह गया, बोले तो कोई दो में काम करना तीसरे में नहीं, ये हो गया, ये काम करने के बाद बगल में लिखा जाता है इसका नाम आर वन आर टू आर थ्री, अब सब्ट्रैक्ट किए इसका नाम हो गया आर वन डैश आर टू डैश, तो आर वन डैश डैश मैंने न्यू, नया वाला कैसे मिला है R1 से R2 को क्या किए, नया वाला R2 कैसे मिला है बोलो तो, क्लियर आ रहा है, डैश मतलब नया वाला R1 डैश R2 डैश, R1 मतलब R1 R2 R3, क्लियर है, अब मेरा टारगेट है कॉमन लेना, मेरा टारगेट है क्या कॉमन लेना, तो यहाँ अल्फा माइनस यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा आएगा, इसको हम ब्रेक कर देंगे, तो हम लोग अलजेब्रा जानते हैं क्या होगा, फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा, फिर इस रो में से अल्फा माइनस बीटा इधर आएगा, इधर भी अल्फा माइनस बीटा है, जीरो में भी अल्फा माइनस बीटा छुपा हुआ है, ऐसे जीरो मतलब मन में ऐसे समझ जाओ जीरो इंटू अल्फा माइनस बीटा मैंने कॉमन हो सकता है, ठीक है, इसमें क्या है इसको ब्रेक कर देंगे, बीटा प्लस गामा इंटू बीटा माइनस गामा, जहाँ अलजेब्रा का फॉर्मूला आएगा वहाँ ब्रेक करना पड़ेगा, तो फायदा क्या होगा क्या कॉमन हो जाएगा, जीरो बीटा माइनस गामा इधर भी बीटा माइनस गामा, तीनों में से बीटा माइनस गामा निकलेगा, इधर से क्या निकला अल्फा माइनस बीटा निकला, आ इधर से क्या निकला बस, ठीक है तो करो देखो, तो यहाँ पे हम पहले लिख देंगे, यहाँ हमने लिखा जीरो, यहाँ लिखा अल्फा माइनस बीटा और इसको ब्रेक किया अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है इधर क्या आया बोलो जीरो बीटा माइनस गामा बीटा प्लस गामा बीटा माइनस गामा, लास्ट वाला क्या होगा क्लियर है यहाँ तक, अब कॉमन ले लीजिए से कॉमन लेंगे रो से कि कॉलम से, सुबह से समझ ही नहीं आ रहा किससे कॉमन लेंगे, रो से ही तो कॉमन लेंगे, अल्फा माइनस बीटा उधर क्या होगा बीटा माइनस गामा, लाइन खींच लीजिए यहाँ पे जीरो यहाँ पे क्या होगा वन, इधर में क्या होगा ये क्या होगा वन, इधर क्या होगा फिर वन गामा और गामा स्क्वायर, अब हमको ब्रेक करना है तो जिधर ज्यादा जीरो रहेगा उधर ही पकड़ के ब्रेक कर देना है, जिस रो में या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो हो, ये वाला कॉलम में जीरो है कितनी जगह जीरो है दो जगह जीरो है, तीसरा को पकड़ के तोड़ दो, ऐसे अगर जीरो जीरो आता तो इसको पकड़ के तोड़ दो, ठीक है
तो तोड़ते समय एक बात का ख्याल रखना, प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस होगा। अब हम तोड़ेंगे अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा। तोड़ने के पहले क्या लिखेंगे, प्लस, क्या है, रूल है, उधर भी तोड़ते प्लस माइनस प्लस, ऐसे तोड़ेंगे तो प्लस माइनस प्लस प्लस, तोड़ दिए, यहाँ पे क्या है, वन लिख दिए। तो ये कॉलम बंद हो गया, ये रो बंद हो गया, कौन बंद हो गया, ये बंद हो गया और ये बंद हो गया। तो क्या दिखाई दे रहा है, दिस इंटू दिस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, बीटा प्लस गामा माइनस, माइनस कहाँ से आया, नियम है, फॉर्मूला है, फिर वन में इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बीटा, आ समझ में। अब बोलो क्या क्या कटेगा, बीटा हाँ बीटा कटेगा तो क्या आएगा, बोलो आ समझ में, बता लो।